हेलो फ्रेंड, आज बहुत बहुत दिनों के बाद मैं अपने फार्म हाउस पे आया हूँ, क्योंकि मैं इसको छोड़े हुआ था। सैलाब की वजह से पूरा डूबा हुआ था पूरा एरिया, और पानी यहाँ पे तकरीबन मार्च के महीने तक था लगा हुआ। पिछले साल काफ़ी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से तो मैंने इसे इस साल के लिए पोस्टपोन कर दिया था। मगर एक छोटा प्रैक्टिस के लिए मैंने एक बना रखा है आप लोगों के लिए, दिखाने के लिए। तो मैं काफ़ी दिनों से यहाँ नहीं आ पा रहा था, तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि एक शुरुआत मैं छोटे से करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक छोटा यहाँ पे एग्जांपल बना रखा है। तो आप अगर मछली की शुरुआत करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अपना फॉर्म। तो ये एकदम छोटा सा आरएएस सिस्टम है, तो इसमें टोटल जो आपको खर्चा आएगा वो आएगा एक मोटर का, जो मेरा दाम पड़ा था 4000 रुपया, हाफ हॉर्स पावर है। तो वो मैंने एक बड़े 4 टैंक को चलाने के लिए लिया था, आप छोटा भी ले सकते हैं तो चलेगा। थोड़ा सा पाइप है, 20 फीट 30 फीट का ये पीवीसी पाइप है, और ये एक टैंक है पीवीसी टैंक। ये आपको अगर लोएस्ट क्वालिटी जो मैंने लिया था, 2 साल हो गया इसका, अभी तक ठीक ठाक चल रहा है, ये 7500 के आस पास में उस वक्त में मिला था। इसको सपोर्ट करने के लिए एक जाली है जो मेस है, जो के 1500 से 2000 के बीच में आपके एरिया के हिसाब से इसका दाम मिले हो जाएगा। तो आप और ख्याल रखें, अगर आपके पास सोर्स ऑफ वाटर ग्राउंड है तो ग्राउंड पे आप 24 घंटा पानी नहीं चला सकते, तो आपको एक इस तरह से एक गड्ढा बना लेना पड़ेगा जहाँ पे आप पानी जमा करेंगे, और यहीं से आप उसके बाद एक फ़िल्टर आपको लगाना होगा। बस एक फ़िल्टर, कंजेस्टर फिल्टर लगा देंगे तो ऑल इन वन होता है वो, उसमें बाय फिल्टर, उसमें यूवी फिल्टर, सॉलिड फिल्टर सब उसमें होता है, वो आपको मिल जाएगा मार्केट में इजीली। 10000 लीटर कैपेसिटी का आप वो फिल्टर लगा लेंगे, जिसका मार्केट प्राइस 10 से 12 हज़ार के आसपास में है, वैरी भी कर सकता है। वो एक लगा लेंगे एक्स्ट्रा, तो ये आपका कंप्लीट आरएएस सिस्टम हो जाएगा। और एक प्रैक्टिस करने के लिए ये एक बेस्ट एग्जांपल है, एक छोटा सा एक ये एरिया आपको 12000 के आसपास के कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी पानी आता है, मगर मुझे इतना नहीं रखना, कुछ 20% खाली रखना है, तो कुछ 8000 लीटर के आसपास में ये मछली आएगी। तो मेरे वेबसाइट को विज़िट करें, मैंने वहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कितने पानी में कितनी मछली होनी चाहिए, कैलकुलेटर्स है, वीडियोस है, बुक्स है, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप हमारे वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, मैंने 2 से वीडियो में वेबसाइट का पूरा डिटेल दे रखा है, कहाँ पे क्या क्या मिलेगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और अब मेरे वीडियो के साथ बंद नहीं रहे, फिर से इसका मैं सारा लेआउट चेंज करूँगा अभी इस एरिया के हिसाब से, जो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था इस एरिया के बारे में कितना पानी लगता है इधर। तो अब ज़रूरी है कि आप जहाँ पे भी करें तो आप उस एरिया के बारे में जान लें, पानी पानी सोर्स ऑफ वाटर, पानी का सोर्स भी मालूम करें। सबसे पहले तो पानी का सोर्स मालूम करें। तो ये आप नल है जो उससे कनेक्टेड है उसका आउटलेट से, तो पानी जब भी मैं भरता हूँ तो अगर ज़्यादा अगर लेवल से ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो इस लेवल से मेंटेन करके यहाँ से पानी निकल जाता है। तो अभी लेवल के अंदर में है इसलिए इससे पानी गिर नहीं रहा, नहीं तो जब भी मैं भरता हूँ तो यहाँ से पानी निकल जाता है। अभी इसको खाना, ये एक मोटर है जो मैंने इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है, जो घड़ी से, यहाँ से तो मेरा घर तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, तो वहीं से मैं मैनेज करता हूँ हर चीज़ को, तो पर्सनली आने की ज़रूरत नहीं होती। मगर नहीं आने की वजह से देख रहे हैं ये घास वगैरह बहुत जम गया इस पर, ये एक मेरी सब्जी भी है। कुछ को मैं अटेंड नहीं कर पाता, तो
तो शायद एक बस इसमें मैं 15 दिन में आता था, थोड़ा सा खाना दे देता था, ज़्यादा मैंने खाना भी नहीं दिया इसे, और ये अभी तक दिख रही है कि काफ़ी, अगर आपको मछली दिख रही होगी तो मैं इसे अभी सारा निकाल करके खाना इसको दूंगा, सारा पानी निकालता हूँ, निकाल करके मैं चेक करके इसको आप दिखाता हूँ आपको। तो आप 20 से 30 हज़ार तक के खर्चे में एक छोटा सा आरएएस आप बना सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, इसी तरह के से यहाँ ज़्यादा खाना भी देना नहीं पड़ता, मैंने दिया ही नहीं है क्योंकि ये पिछले मछली के अंडे से हैच हुई है सारी मछली, मैंने ख़रीदा भी नहीं था, काफ़ी तिलापिया लग रही है इसमें, मैंने देखा भी नहीं अभी तक, काफ़ी तिलापिया इसमें आ गई है। और अभी पानी खाली करने के बाद इसको देखेंगे, यह डायरेक्ट मैंने डाला नहीं है, अभी मैं इसमें सिंगी मछली डालूंगा एक्स्ट्रा, मैंने अभी 1.5 केजी खरीद के ला रखा है कि कुछ बच्चा अच्छा दे ये, तो उसी तरह का है कुछ अंडे वाली मछली है, तो मैं उसमें डाल दूंगा। सो कभी चालू करूँ अगर नियर फ्यूचर में तो मुझे इसका बच्चा ख़रीदना ना पड़े, मैं थोड़े से फिर से चालू करूँगा, थोड़ा से फिर से इसको बनाऊँगा, तो आहिस्ता आहिस्ता बनाऊँगा मैं। ये हमारी मगर ध्यान रखें, इसमें कभी भी आप हाइब्रिड कैटफिश नहीं डालें क्योंकि वो सारी मछली को खा जाएगी, इंडियन चैनल कैटफिश ही डालें, वो फ्रेंडली होता है, बाकी दूसरी मछलियों से फ्रेंडली होती है, मगर वो हाइब्रिड कैटफिश जब भी आप डालेंगे वो मुश्किल है, वो सारी मछली को जब भी भूख लगेगा खा जाएगी, तो इसका ख्याल ज़रूर से ज़रूर रखें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन हमारा हिम्मत बढ़ाता है दूसरा ऐसा ही वीडियो बनाने का। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं टैंक के अंदर में हूँ, पानी काफ़ी गंदा हो गया है, तो मैं इसको कुछ इसमें उपाय लगाऊंगा इसको ऑटोमेटिक साफ़ करने का, नहीं तो क्या होता कि पानी काफ़ी गंदा होता है तो बीच बीच में इसको इस तरह से साफ़ करना पड़ता है। तो अभी मोटर भी मैं चलाऊँगा क्योंकि मोबाइल से कनेक्ट है, तो इधर ही से मैं मोटर चला दूँगा बंद कर, तो पानी मेरा जितना भी है थोड़ा गंदा है वो निकल जाएगा। एक परेशानी जो आरएएस में होती है वो एक ये भी परेशानी है कि उसको जो नीचे पानी जमा है गंदा, तो उसको किस तरह से आप साफ करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना काला पानी है, टैंक का हाइट भी आप देख सकते हैं कि कितना है। चलिए दोस्तों मैं थोड़ा टैंक मोटर चालू करता हूँ इसी में से, तो ये मोटर चालू हो गया है, ये एक दिक्कत है अरे किस्म का कि आप जो नीचे सलज जम जाते हैं उसको किस तरह से साफ करें, तो इसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ इसका कुछ ऑटोमेटिक उपाय लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। तो फिलहाल के लिए अभी इसी तरह का काम चला ले रहा है कि ये पानी साफ हो जाए। ये अभी मैंने कैमरा से अभी मैंने ये मोटर चालू किया है जो उसके मोबाइल से कनेक्ट है, तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, यहीं से अंदर ही से मैं इसको चालू कर दिया, नहीं तो वहाँ मुझे जाना स्विच बोर्ड के पास जाना पड़ता।
ये मैंने खाना दे दिया। देखिए मछली आ रही है खाने ऊपर में। तो ये छोटा सा आरे सिस्टम है 10x10 में पार्शियल आरे सिस्टम, और जब इसको साफ़ करा दूंगा तो मैं इसको फुल्ली आरे सिस्टम बनाऊंगा। फिल्टर विल्टर रखा हुआ है, फिल्टर लगा करके। इसमें बहुत अभी काम करना है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये बाउंड्री खुली हुई है तो कोई भी इसमें घुस जाता है, तो इसलिए मैं अभी इतना कुछ कर नहीं रहा। बस ये थोड़ा ओपन एरिया में है, एक बस आप लोगों के लिए बना रखा था, बहुत दिन से बना रखा था मैंने, मगर टाइम नहीं होने की वजह से मैं इसे पोस्ट नहीं कर पा रहा था। तो ये मेरा छोटा सा आरे सिस्टम कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे मुझे कमेंट्स में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और बहुत सारे लोगों ने जो मुझसे पूछा था कि एक छोटे से कम मैं कैसे कर सकूँ, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन वर्किंग एग्जाम्पल है। यहाँ पे कुछ आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटे में इससे जो आप मिनिमम इस एक्सपेंस पे हार्वेस्ट में आप 150 से 200 केजी की मछली पाल सकते हैं। 6 महीने बाद, 6 महीने तक रखना होगा, और या तो घर के यूज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसे मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। ये जनरली मेरे घर के ही यूज़ का है। तो और मैं पोस्ट करने वाला हूँ, और इसे मैं ऑटोमेटेड बनाने वाला हूँ, फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम्स के मिनिमम इफोर्ट में ये खुद से चलता रहे। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें, पसंद आया है वो हो तो शेयर करें, कमेंट्स करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक शेयर हमारी हिम्मत बढ़ाती है, एक सब्सक्रिप्शन हमें हौसला देती है, तो इस हौसले को आप बरकरार रखें और सब्सक्राइब या शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।